कक्षा 9वीं कविता भाग मैंने कहा पेड़। मैंने कहा पेड़ अगे जी द्वारा रचित है। भग्न दूत हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रोंदे हुए अरियो करुणा प्रभामय इत्यादि इनकी कविता संग्रह इनके उल्लेखनीय इत्यादि कविता संग्रह उल्लेखनीय है। इनकी कहानी संग्रहों में परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी आदि काफी प्रसिद्ध हैं। इनके यात्रा वृत्त में यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली और इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी। इसके अतिरिक्त अगय ने निबंध संस्मरण और नाटक जैसी विधाओं में भी लिखा है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ की सहनशीलता और सबलता को प्रस्तुत किया है। पेड़ अनेकों मुसीबतें सहता हुआ शांत खड़ा रहता है और साथ ही अपने बढ़ने का श्रेय अपने को नहीं किसी और को ही देता है। मैंने कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने सौ वर्षों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह खड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोट कठैट खड़े हो। ये सुनकर कांपा पेड़, मर्मरित पत्तियां बोली मानो, नहीं 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 झूठा, ये झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता या कि सूखा ठूंठ होके टूट जाता, श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को जिसमें ना जाने कहां मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आश में जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हां, इन सब उगने डूबने मरने छीजने बदलने गलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वही जीवनदायी है।